पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सेनानी भवन में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था जांच समिति का सभापति बनाने पर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता एमके पूर्वी ने की और संचालन विमलेश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक इशरतुल्लाह खान रहे। जयपाल सिंह व्यस्त ने अपने संबोधन में कहा कि अपने घर में अपने लोगों के मध्य जब सम्मान होता है तो उसके आनंद की अनुभूति अत्यंत ही अद्भुत होती है। उन्होंने कहा कि बड़े होने का अर्थ ये है कि सबके लिए सरल, सहज और सुलभ होना मेरा प्रयास रहता है कि मुझ में और समाज के मध्य कोई ना आए। नेता और जनता के बीच की दूरी जितनी कम होगी, विकास उतना ही तेजी के साथ होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को होगा। आप सभी समाज के लोगों को भी हम पर नजर रखनी चाहिए, कहीं हम फिसल न जाएं और इस विशेष दायित्व का आपको सदैव निर्वहन करते रहना चाहिए। उन्होंने सेनानी भवन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े अपने अनुभव और स्मृतियों को सभी के साथ साझा करके सबको कभी भावुक तो कभी आंदोलित कर दिया। कार्यक्रम में नगर के संभ्रांत लोग जिन्होंने जयपाल सिंह व्यस्त का अभिनंदन किया, संजय त्यागी, सुमित शर्मा, रईस अहमद, तारा सिंह बिश्नोई, जुनैदुद्दीन, महिपाल सिंह, अजब सिंह के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऑस्ट्रेलिया भी गया, सिंगापुर भी गया, यूएई भी गया, यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, वेटिकन सिटी, ये सब जगह में गया। मनोजी, मेरा आकलन है कि हमारे देश की अधिकतम ऊर्जा कुटिलताओं से बचाव में व्यर्थ, कुटिलताओं रचनात्मक कामों की तो तब सोचे जब कुटिलताओं से बचे। हर क्षेत्र में आते हैं, धवल दीक्षित जी काम कर रहे हैं, श्रद्धुला जी काम कर रहे हैं, तो लोगों को ईर्ष्या होती होगी कि इनकी मोनोपोली चल रही है। ये बड़ी परेशानी है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। शमीम साहब की गजल का मक्का है, मेरी हर खुशी से मेरे दोस्तों को गम है शमी, मेरी हर खुशी से मेरे दोस्तों को गम है शमी, मुझे भी इसका बहुत गम है, क्या किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।